खुशामदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। एक और बेरहमाना कत्ल की वारदात आई पेश। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में ये कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पुलिस श्रीनिवास के मुताबिक गोलगुंडा के इलाके कंचे के रहने वाले 38 साल के शेख फरीद नामी शख्स इतवार को शराब पीने के बाद अपने घर गए और अपनी बीवी से बहस और तकरार करने लगे। बीवी ने इन्हें घर से निकाल दिया, जिसके बाद शेख फरीद को किसी नामालूम अफराद का कॉल आया और फरीद को बुलाकर उनका कत्ल कर दिया गया। पुलिस स्टेशन के कुछ दूरी पर ही ये कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। मौलिक हथियारों से शेख फरीद पर हमला करके फरीद का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद फरीद की लाश को एक ऑटो में रख कर फरार हो गए। खबर के साथ ही लंगर हाउस पुलिस मुकामी वारदात पर पहुँच कर लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया और एक केस दर्ज करते हुए खातियों की तलाश शुरू कर दी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जाफर की ये खास रिपोर्ट में। इसके मजीद तफसीलात SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ। हर अहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आज 6 बजे हमारे इन्फॉर्मेशन आया कि एक आदमी ऑटो में ओमेगा होटल के गली में ऑटो में गिरा हुआ है, तो हमारे पेट्रोल बीसी कार वाले जाके चेक करे तो बॉडी जब तक वो आदमी मर गया है उसका डिटेल लिए तो क्या है, उन्होंने फरीद शेख फरीद बोल के गोलकुंडा वाला है, उम्र 36 ईयर्स है, वो ऑक्यूपेशन रोटी मेकर है और उसमें कैटरिंग में काम करता हूँ। उसके बाद उनकी फैमिली को बुला दिए, बुलाने के बाद उनको बता दिए कि ये स्टूडेंट तो आदमी आपका है, वो तो अभी पहचाने। उसके बाद वो डेड बॉडी को हम शिफ्ट कर दिए उस्मानिया हॉस्पिटल को और तहकीकात कर रहे हैं कि वो क्या वजह है उनको मारने का, कौन मारे बोल के हमें तहकीकात कर रहे हैं। जल्दी 1-2 दिन में भी आपको हम बोलेंगे कि कौन क्या है, क्या अक्यूज्ड कौन है और उसका मोटिव क्या है बोल के आपको फिर हम बुला के बोलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका सास ऐसा बोल रही, बच्चों को टॉर्चर कर रही, बोलो ये क्या है, रोज घर में टॉर्चर करता उसके जो अंदर नहीं आ रहे अब बोल रहे हो। Hidayah Group of Educational Institutions is one of the emerging brand in the field of education, has now established Hidayah Degree College, offering courses BBA, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls. Highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs, guest lectures by subject experts and much more. Admissions open, hurry up! Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehendipatnam, Hyderabad.